हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान। आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल अरमान एरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक कैसे लगाएं। डाउनलोडिंग लिंक आप जानते हो कि क्या होता है। आप अपने यूट्यूब की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक जो है वो पेस्ट करते होगे। आप अपनी वीडियो में बताते होगे कि ये मैंने आपकी ऐप की लिंक जो है ये दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड वगैरह वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों, वो जो लिंक है वो हम डाउनलोडिंग लिंक वो हम डिस्क्रिप्शन में कैसे लगाएं, तो उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको उसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक ऐप चाहिए होगा गूगल ड्राइव। ये दोस्तों आप देख रहे होगे, ये ड्राइव का ऐप जो है वो आपके फ़ोन में होगा। अगर नहीं होगा तो आप सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में पहले से ही है तो आप उसको ओपन कर लें। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं यही बताने वाला हूँ कि ऐसे प्ले स्टोर में ऐप की लिंक कैसे दें, क्लिक करें और सीधा प्ले स्टोर में ऐप ओपन हो जाए। तो ऐसे ही कैसे फेसबुक व्हाट्सएप की लिंक ट्विटर की लिंक कैसे दें, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपना ड्राइव जो है ओपन कर लें। ड्राइव को ओपन करने के बाद आपने जो है यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करें। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कितने आपको ऑप्शन आ रहे होंगे, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, डाउनलोड, साउंड स्पीकर, गैलरी और फोटोज़। आपके यहाँ पर पीछे भी जो है ऑप्शन आ रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करके आप कोई भी अपना ऐप उप जो है उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो मैं अपने डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। और बाद में अगर आप किसी भी चीज़ की या सॉन्ग की या ऐसे भी कोई चीज़ की लिंक देना चाहते हो तो आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ इसकी टॉप 10 नॉन कॉपीराइट सॉन्ग की लिंक चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये प्रिपेयर वन फाइल कर देता है। और यहाँ पर वेटिंग फॉर वाईफाई, यहाँ पर आपकी जो डाउनलोड अपलोड नहीं हो पा रही है तो आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और ये अपलोड बिना वाईफाई के होने लग पड़ी है। और ये देख सकते हो ये अपलोड होने ही वाली है। तो जैसे ही ये जो है अपलोड हो जाए तो आपने क्या करना है, ये रही वो वीडियो, सॉरी सॉन्ग, तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ। शेयर लिंक, शेयर लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने शेयर लिंक पर दोबारा क्लिक करना है और इसकी लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगी। और दोबारा से इस बात थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है शेयर लिंक पर। और फिर यहाँ से आपने जो है कॉपी टू क्लिप बोर्ड पर क्लिक करना है आपने। यहाँ से कॉपी हो जाएगा आपका जो URL है। तो कॉपी होने के बाद कॉपी टू क्लिपबोर्ड का एक ऐसे ऑप्शन आ जाएगा कि वो कॉपी हो चुका है। फिर दोबारा आपने जहाँ पर आप उसकी लिंक देनी है वो यहाँ पर आप दे सकते हो लिंक उसकी। जैसे मैं अब YouTube ओपन अपना ओपन कर लेता हूँ और कोई भी जो है अपनी वीडियो अपलोड करने वाली है जो, वो मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो यहाँ पर कोई भी छोटी मोटी जो वीडियो है मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसे ये मेरा एक इंट्रो बना हुआ है, मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ अब। तो अपलोड आपने कैसे करना है, जैसे कोई भी लिख देना है इंट्रो लिख देना है, जैसे भी और जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हो। फिर दोबारा में आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के एंड में आपने जो है यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर जो ब्लिंक कर रही है लाइन उस पर क्लिक करने के बाद एक वाटर सी जो है वाटर की जो बूंद है ऐसी कुछ आएगी, आप उस पर जो है पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा आपका यूआरएल, और आप ये कर सकते हो जो भी वो चीज़ है, जो भी जैसे बेटा ये साउंड है टॉप 10 नॉन कॉपीराइट, तो मैं वैसे लिख देता हूँ टॉप 10 साउंड। और इसके बाद ये हमारे हो गया, तो अब हम ऐसे ही आप करके अपनी एप्स की लिंक, जैसे काइन मास्टर बहुत पॉपुलर ऐप है एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर एंड्रॉयड, तो उसकी भी आप लिंक ऐसे करके दे सकते हो। और फिर दोबारा अगर वो अपलोड ना हो, फॉर वेटिंग फॉर वाईफाई का ऑप्शन दे, तो दोबारा उसे होने दे, बिना वाईफाई के ही वो हो जाएगा। तो अब हमें जो है फेसबुक की जो है लिंक यहाँ पर देनी है। फेसबुक की लिंक देने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखना होगा HTTP, फिर बाद में आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और फिर दोबारा यार दो डॉट्स आपको चाहिए होंगे, दो डॉट्स ये वाले। ये देने के बाद ये आपको यहाँ पर ऐसे दो ये थोड़ी मुड़ी हुई लाइन देनी है। देने के बाद आपको जो है ABC पर क्लिक करना है, फिर लिखना है www.facebook.com/, आपने देना है इसको स्लैश ये वाला स्लैश, जो भी आपका नाम हो होता, जो भी आपको लिखा हो बस स्लैश देकर यहाँ पर आपने .com लिख देना है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आपने ट्विटर ट्विटर की लिंक देनी है, तो आपने वैसे ही लिख देना है जैसे मैंने फेसबुक का लिखा था। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों हम ट्विटर का लिख देते हैं, तो ट्विटर का लिखने के लिए आपको वही टेक्निक जो है यूज़ करनी होगी, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर ऐसे फेसबुक का भी कॉपी हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ट्विटर लिख देता हूँ, तो जो आपने करना है वैसे वो ही ट्रिक, जैसे HTTP, यहाँ पर आपने पहले लिखना है www.twitter.com स्लैश, जो भी आपका नाम होगा वो आप एंटर कर दें, मतलब लिखते हैं। www.instagram.com ऐसे आपने लिखना देना है, ऐसे ही आप इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम स्नैपचैट ऐसे भी जो भी आप चलाते हो उसकी लिंक आपने ऐसे ही इंसर्ट करनी है। तो लिंक इंपोर्ट करने के बाद आप ये भी जान सकते हैं, ये भी आपको पता लग गया कि गूगल ड्राइव से सीधा हम कैसे इंपोर्ट करें, हमारे गूगल ड्राइव की लिंक हम कैसे करें ऐप्स की लिंक। तो मैं दोस्तों आपको काई मास्टर की भी लिंक इंसर्ट करके दिखा देता हूँ कि आप ड्राइव को ओपन करें। ड्राइव को ओपन करने के बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करें, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको टेक्निक पता है कैसे करें अपलोड में, जैसे डाउनलोड में जो भी आप क्लिक करना चाहते हो, यहाँ है काई मास्टर प्रिपेयरिंग वन फाइल, तो यह पर अपलोडिंग हो रही है। तो जैसे ही आप अपलोड हो जाए तो आप इस पर क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद ये JPEG APK ऐसे इसकी APK होने लग पड़ेगी, तो आप इसकी शेयर लिंक पर क्लिक करें। तो शेयर लिंक पर जल्दी नहीं होगी शेयर लिंक, थोड़ी दोबारा दोबारा टैप करना शुरू कर दें आप, 3-4 बार आपने टैप करना है इस पर। यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, तो आप दोस्तों शेयर लिंक और कॉपी टू क्लिपबोर्ड जब आप कर लोगे, तो दोबारा आप यहाँ पर ऐसे इसको पेस्ट कर दोगे, पेस्ट कर देना इसको यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद ऐसे जो है आपकी वीडियो जो चल पड़ेगी और आपकी डिस्क्रिप्शन भी चलने पड़ जाएगी, और आपकी एकदम सही से डिस्क्रिप्शन होगी। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारी डिस्क्रिप्शन जो है काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम सबसे पहले जो है अपनी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लिंक्स वगैरह है वो चल रही है ठीक से कि नहीं। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, ये है top 10 sound, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखो हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो काम भी कर रही है। तो ये हमारी जो URL है, हमें ये हमारी जो URL थी हमने इसको पेस्ट किया था, और वो पूरी तरह से काम कर रही है। ये देख सकते हो आपके top 10 sound जो है वो आ चुके हैं, चल रहे हैं, और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे यहाँ से डाउनलोड, मेरे पास पहले से ही है, तो आप दोबारा से अगर आपके पास नहीं है तो ये दोस्तों ये नॉन कॉपीराइट साउंड की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो है आपके लिए मज़ेदार होने वाला है। ये जो टॉप 10 नॉन कॉपीराइट साउंड्स है ये आपके इंट्रो में भी आप इंसर्ट कर सकते हो, आप उसके एंड्रॉयड से इंट्रो बना सकते हो अपने फ़ोन से, ये उनके लिए।